हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जय भवानी साइंस स्कूल। बायोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में जो फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें फ्लावर्स वगैरह कंप्लीट करके आज हम आ गए हैं फ्रूट और सीड पे। ठीक है, तो अब जो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले तो वो है फ्रूट। तो हम देखा था कि जो ओवरी तक हमने पढ़ लिया था कि ओवरी के पोजिशंस वगैरह जो उनके डिटेल्स जो है जो कि मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह डिटेल्स है वो तो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, मगर अभी यहाँ पे हम फ्रूट का आगे वाला पार्ट जो डेवलप्ड फ्रूट है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो हर एक फ्लावरिंग प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है फ्रूट। तो फ्रूट के बिना कोई भी फ्लावरिंग प्लांट यूजुअली नहीं होता। इट इज मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब ओवेरी के अंदर पोलन ग्रेन पहुंचेगा वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो ओवेरी होगी ना वो धीरे 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 मैच्योर हो जाएगी या तो फिर पक जाएगी, तब जाके जो डेवलप होता है स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो ठीक है, तो फ्रूट कोई दूसरी और चीज़ नहीं है, जो प्लांट के अंदर जो गाइनोसियम है जिसकी ओवेरी है वो ओवेरी ही आगे जाके फर्टिलाइज होकर जब पूरा मैच्योर होगी तब उसको हम कहेंगे फ्रूट। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी इट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जिसमें फ्लावर तो आया नहीं था, ना तो गाइनोसियम था ना तो ओवेरी थी, फिर भी ऐसे ही फ्रूट बन गया, जैसे कि केला हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई, या फिर द्राक्ष या तो फिर ग्रेप्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जो कि ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक। एक ये टर्म बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, पार्थेनोकार्पिक। जो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं ना यूजुअली बेरी टाइप के या तो फिर बनाना जैसे स्पॉन्जी फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो उसके एग्जांपल्स है कि पाइनएप्पल, बनाना, कुकुम्बर, ग्रेप, वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, पियर, फिग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पार्थेनोकार्पिक। तो यूजुअली इसमें सारे एग्जांपल नाम आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इनके सारे के पेड़ भी आपने देख चुके हैं, जो भी इसके जो क्रीपर्स वगैरह है वो भी आप देख चुके हैं अच्छे, हमें पता ही हमारे आसपास देखने को मिलता है, इसलिए पार्थेनोकार्पिक के सारे एग्जांपल हमें अच्छी तरह से याद रह सकते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो यहाँ पे फ्रूट के पार्ट की फ्रूट के जो मॉर्फोलॉजी है उसके पार्ट्स कौन से हैं उनके बारे में बताया है कि इसमें यूजुअली क्या क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। तो सबसे बाहर वाला एक पार्ट होता है जिसको हम वॉल कहेंगे साथ में, और एक होता है सीड जो कि अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, तो पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। तो पेरिकार्प दो टाइप का हो सकता है, पेरिकार्प मतलब यहाँ ऊपर का कवरिंग, जो फ्रूट के ऊपर जो सीड का पूरा जो कवर रहेगा उसको पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है, पेरिकार्प के भी आगे और डिविजन से वो मैं हम पढ़ेंगे, मगर जो ऊपर का पेरिकार्प है ना या तो वो स्पॉन्जी होता है जैसे कि आम में होता है, या तो फिर ड्राई होता है जैसे कि कोकोनट में देखने को मिलता है। तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। तो कई बार जो पेरिकार्प है वो थिक होता है, अच्छी तरह से हम उसको मार्क कर सकते हैं, उस कंडीशन में उसके तीन पार्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम आम का एग्जाम्पल ले, मैंगो का एग्जाम्पल ले, तो सबसे ऊपर जो उसकी स्किन होती है वो होता है एपिकार्प, फिर जो हमें जो हम खाते हैं जो छाल के नीचे के और गुठली के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो स्पॉन्जी हिस्सा होता है पूरा फ्लैशी, तो जो खाने के लायक होता है वो होता है मेसोकार्प। हमेशा एक बात याद रखना, एपी मतलब बाहर का, मेसो मतलब मिडल का, और एंडो मतलब अंदर का। तो इस तरह का कोई भी किसी का भी डिवीजन होता है तो ये सबसे पहले बाहर जो स्किन वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे एपिकार्प, फिर बीच का है मेसोकार्प, और लास्ट वाला है वो है एंडोकार्प जो कि सीड की कवरिंग है, उसके अंदर जो आएगा वो है सीड। सेम चीज़ें देखने को मिलती है कोकोनट में, मगर इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। तो ये ड्रूप क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से हम तीनों का डिवीजन देख सकते हैं। ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों देख सकते हैं, और इसमें इसके अंदर भी देख सकते हैं ऊपर का जो एपिकार्प है वो फाइब्रस है, जो फाइब्रस रहता है उसके अंदर ये शेल वाला पार्ट रहता है, उसके अंदर वाला एक पार्ट रहता है। तो इसी तरह से कोकोनट में भी हम तीनों एपिकार्प और मेसोकार्प और एंडोकार्प देख सकते हैं। इसमें कोकोनट का एपिकार्प नहीं है क्योंकि इसमें से छिला हुआ कोकोनट इसमें दिखा है, इसलिए एपिकार्प हम नहीं देख सकते। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। तो यहाँ पे बात हो रही है मैंगो और कोकोनट की, जो कि इसको जिसको हम ड्रूप कहते हैं। ठीक है, मैंगो और कोकोनट जैसे फ्रूट को ड्रूप कहेंगे, जो कैसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज। तो ओवरी सुपीरियर होंगे और जो कि मोनोकार्पेल वाले हैं, ठीक है, सिंगल कार्पेल से बनी हुई है, तो उसको
और वन सीडेड, उसमें सिंगल सीड ही होता है। हम अगर अनार या फिर अमरूद को ले ले तो उसमें बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं, मगर मैंगो और कोकोनट में खाली सिंगल सिंगल सीड्स ही देखने को मिलते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। जैसे मैंने बताया, मैंगो में हम तीनों पार्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आउटर जो है वो है एपिकार्प, फिर अंदर वाला जो फ्लैशी है वो मीजोकार्प, और जो सीड के ऊपर की कवर है वो है एंडोकार्प। ये कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रू द मीजोकार्प इज फाइबरस, मगर इसमें मीजोकार्प होगा वो फाइबरस होगा, इस तरह से फाइबर वाला देखने को मिलता है मीजोकार्प। ये जो एकदम जो हार्ड कवरिंग दिख रहा है ना वो एंडोकार्प है, इसके ऊपर जो फाइबर वाला पार्ट होता है वो मीजोकार्प, और जो सबसे बाहर वाला है वो छोटी स्किन जो ग्रीन हमें जो दिखता है इसमें कोकोनट में वो है एपिकार्प। अब ये फ्रूट के बाद हम पढ़ेंगे सीड। सीड क्या है कि द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। तो जो ओव्यूल होते हैं, जो कि ओव्यूल होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बन जाते हैं, ठीक है। और सीड मतलब ये फ्रूट के अंदर का पार्ट आ गया है। फ्रूट के अंदर जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, किसी में चार रहते हैं, किसी में दो रहते हैं, किसी में सिंगल रहता है, तो मतलब बहुत सारे जो ओव्यूल्स रहते हैं वो ओव्यूल्स आगे जाके डेवलप क्या होते हैं, सीड में डेवलप होते हैं, क्योंकि सीड बहुत ही एसेंशियल है। सीड के बिना आगे फर्टिलाइजेशन, आगे कोई भी नया प्लांट डेवलप नहीं होगा इसीलिए। और सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो यूजुअली सीड के दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक है सीड कोट जो कि उसके बाहर का, जिसको हम कोटाइलिडोन भी बोलते हैं, और दूसरा वाला होता है एम्ब्रियो जो कि जो आगे जाके प्लांट ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, जिसमें हम ये यूजुअली हमने देखा था कि प्रिम्यूल और रेडिकल, ये वाला पार्ट जो है रेडिकल में से रूट और प्रिम्यूल में से पूरा दूसरा प्लांट ऊपर वाला शूट जो कि डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो यूजुअली उसमें दो टाइप पार्ट रहेंगे, एक कोट रहेगा जो कि जो प्रिम्यूल और रेडिकल को जब वो डेवलप हो रहे होंगे तब उसमें जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो फूड रिजर्व की जरूरत होगी, वो सारा कौन प्रोवाइड करेगा, जो उसका कोटिंग होता है, कोट होता है वो। अगर वो मोनोकोटाइलिडन है, डाइकोटाइलिडन है, जो भी है, जैसे ये मोनोकोट हो गया, इसमें सिंगल कोट रहता है, ये कॉर्न सीड हो गया, और ये डाइकोट है, ठीक है, बीन सीड हो गया, तो इन दोनों में भी कोटाइलिडन से जो भी कोट है उसका एक ही काम रहता है, फूड रिजर्व करना जो इसको, और प्रोटेक्शन देना प्यूमियल और रेडिकल को, ठीक है। तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एग्जिस्ट एंड वन एज इन व्हीट मेज, और टू कोटाइलिडन्स एज इन ग्राम एंड पी। तो मोनोकोट और डाइकोट की सिंपल बात की है इसमें, इसमें एक रेडिकल रहेगा और एम्ब्रियोनल एग्जिस्ट रहेगा। एम्ब्रियोनल एग्जिस्ट अगर व्हीट और मेज मतलब जो ये वाला है, तो इसमें एम्ब्रियोनल एग्जिस्ट सिंगल रहेगी, मगर इसमें एम्ब्रियोनल एग्जिस्ट डबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये डाइकोटाइलिडन है और ये मोनोकोटाइलिडन है। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटाइलिडनस सीड। तो अब डाइकोटाइलिडन सीड है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे चना या तो हॉर्स ग्राम उसका एक एग्जांपल दे के रखा है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज अ सीड कोट, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, हम अगर चने को भिगो दे तो उसके ऊपर से आराम से हम छिलका निकाल सकते, तो छिलका होता है ना उसी को हम कहते हैं सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेन। तो यहाँ ऊपर वाला जो ब्राउन दिख रहा है ना वो है टेस्टा, और अंदर वाला जो शाइनी पार्ट रहता है सीड कोट का उसको हम कहेंगे टेगमेन। तो ये दो पार्ट यूजुअली रहता है, टेस्टा और टेगमेन। द हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो हमेशा कोई भी सीड के अंदर एक ऐसा स्कार देखने को मिलता है, छोटा वाला गड्ढा। तो वो गड्ढा क्या है कि जब वो बाहर नहीं आया था, जो फ्रूट में था जब वो सीड कोई भी, तब जैसे वो चने के अंदर जो उसके ऊपर की कोटिंग होती है उसमें उसके अंदर ही था, तो जब वो किसी भी प्लांट के फ्रूट के साथ अटैच जहाँ जिस पार्ट से रहेगा उसको हम कहेंगे हाइलम। हाइलम क्यों कहेंगे, हाइलम का वर्ड तभी यूज होता है जब वहाँ पे कोई होल जैसा पार्ट या तो फिर कोई स्कार दिखे, तभी उसको हाइलम कहते हैं। तो इसमें सीड के अंदर ऊपर वाला जो होता है वो सीड कोट है, और यहाँ पे एक होता है हाइलम जहाँ पे कि वो पहले सीड फ्रूट से जुड़ा हुआ था, मगर अब फ्रूट से अलग होकर खुद एक अलग सीड हो गया है। एबो द हाइलम अ स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो ये हाइलम के अबो ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, मतलब खुला एक होल जैसा पार्ट होता है, छोटा सा, बहुत ही सुई के में धागे के जिसमें सुई का मुंह जितना जा सके उतना ही छोटा एक बहुत ही एक पंचर जैसा पार्ट होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल में से पानी अंदर जाएगा और वहां पे डेवलपमेंट आगे जाके उसमें से पूरा प्लांट डेवलप होगा। हम किसी भी सीड को अगर भिगोते हैं ना, जो सीड फूल जाता है, जैसे चना आपने भिगोया सुबह तक फूल गया, तो उसका मेन रीजन है कि क्यों, इसी में से माइक्रोपाइल में से ही वो पानी अंदर तक गया है, ठीक है। विद इन द सीड, तो सीड कोट
इज द एम्ब्रियो, तो सीड कोट के अंदर ही होता है एम्ब्रियो। तो ये वाला जो देखो इतना पार्ट है ना, ये ऊपर का जो सीड कोट है ये कोटाइलिडन है, तो ये वाला पार्ट है वो पूरा एम्ब्रियोन है, एम्ब्रियो है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटाइलिडन्स, तो इसके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, ये वाला पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब इसमें प्यूम्यूल भी है, रेडिकल भी है, दोनों पार्ट, और हाइपोकोटाइल मतलब जो दोनों को जोड़ता है, ये पूरा पार्ट्स मिला के एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाता है। द कोटाइलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व ऑफ द फूड मटेरियल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोटाइलिडन्स के अंदर बहुत सारे फूड रिजर्व्स होते हैं, मतलब सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, जिससे कि जब इसको पानी मिलेगा, जब वो रूट और शूट यहाँ से निकलेगा, प्यूमल में से शूट और यहाँ से निकलेगा रूट, तो डेवलप होने के लिए जो फूड की जरूरत, जो एनर्जी की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा, कोटाइलिडन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्यूम्यूल। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दो एंड में, ऊपर वाले एंड में प्यूम्यूल और नीचे वाले एंड में क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल, जहां से रूट निकलता है, प्यूम्यूल जहां से शूट निकलता है। अब एक टॉपिक दिया है कि एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ठीक है। तो इस तरह से सीड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ही एंडोस्पर्मस और दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मस। तो अब क्या है इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, मतलब जैसे एरंड, एरंड यानी कैस्टर का जो सीड होता है उसमें द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो कई बार एंडोस्पर्म होता है ना, वो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजर्व होके ऐसे फ्लैशी टिश्यू, जो फूड स्टोरिंग टिश्यू है, वो मेन्यू बनता है, जिसको कहेंगे हम एंडोस्पर्मस सीड। मतलब जो एंडोस्पर्म रहेगा ना ये फ्लैशी, अगर हम ये जो एरंड का बीज है या तो फिर जो कैस्टर का बीज है, कैस्टर सीड को हम लेके अगर ओपन करेंगे तो ऊपर उसके अलग अलग कलर वाली जो एक पूरी ब्राउन और वाइट कलर वाली जो ऊपर की एक सीड कोट रहता है, उसके अंदर एक फ्लैशी वाइट कलर का पूरा मटेरियल रहेगा, जिसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म। और जितने भी सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म रहेगा उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मस सीड्स। सेम चीज हमें देखने को मिलती है मूंगफली में, ग्राउंडनट में। अब दूसरे पढ़ते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मस सीड, तो उसमें क्या है कि इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, जैसे मटर वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज द नॉन एंडोस्पर्मस। तो इसमें जब सीड पक्का मैच्योर हो जाता है, मतलब आगे जाके वो प्लांट में डेवलप हो सके, उस कंडीशन का मैच्योर हो जाता है, तब उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता। जब भी छोटा कोई भी एकदम कच्चा सीड है ना, अभी पक्का नहीं है पूरा, तब उसमें देखोगे तो आपको एंडोस्पर्म वाला पार्ट देखने को मिलेगा, मगर जब मैच्योर होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म रहेगा तभी उसको एंडोस्पर्मस सीड कहेंगे, बाकी कहेंगे मैच्योर होने के बाद अगर उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो उसको कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है बीन का, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कहीं पे भी एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, दोनों कोटाइलिडन है और ये एम्ब्रियो है। यहाँ पे क्या था, कोटाइलिडन के साथ, एम्ब्रियो के साथ ऊपर एक कवरिंग थी वाइट कलर की, जो कि एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो नॉन एंडोस्पर्मस में वो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट रहता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटाइलिडनस सीड, तो ये हमने डाइकोट पढ़ लिया, मोनोकोटाइलिडन का है, ठीक है। जनरली मोनोकोटाइलिडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब मोनोकोटाइलिडन्स यूजुअली एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता ही है, मगर ऑर्किड जो कि एक एक्सेप्शन है, जिसमें नॉन वो है नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वर्म। तो कुछ जैसे मेज मतलब होता है कॉर्न, तो कॉर्न मतलब मक्का, मक्के के अंदर सीड कोट होता है ना, वो मेम्ब्रेनस रहता है, तो ये सीड कोट पूरा शाइनी नहीं रहता। आप अगर मक्के को ध्यान से देखें तो मेम्ब्रेनस है, छोटे छोटे होल बहुत सारे उसमें देखने को मिलता है, इसीलिए जब उसको भिगोते हैं तो आराम से खुल जाता है जल्दी, या तो फिर जब उसको हम उबालते हैं तो आराम से उबल जाता है। तो एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स द फूड। तो इसमें जो एंडोस्पर्म रहता है वो ये वाला पार्ट वो बल्की रहता है और इसमें फूड का स्टोरेज होता है, जो कि एम्ब्रियो, जब इसमें एम्ब्रियो को पूरा पावर मिलेगा, जब पानी मिलेगा तब डेवलप होने में हेल्प करेगा। तो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर। तो एक वर्ड आपको याद रखना है, एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म और पेरिकार्प या तो फिर आउटर कवरिंग, इस दोनों के बीच में प्रोटीनस लेयर रहेगा, ठीक है। प्रोटीनस मतलब प्रोटीन वाला, जो कि ये भी हेल्प करता है किसमें, ये फूड स्टोरिंग का ही काम करता है, ये भी जब सीड डेवलप हो रहा होता है, ये प्लांट में डेवलप हो रहा होता है, तभी ये एल्यूरॉन लेयर भी उसको हेल्प करता है।
एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो हमने डाइकोट में देखा था कि दोनों तरफ कोटाइलिडन बीच में वो रहता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। मोनोकोट में क्या रहता है, एम्ब्रियो क्या रहता है, छोटा होता है। कंपेयर टू डाइकोट के सीड के कंपेरिजन में इसका एम्ब्रियो बहुत छोटा रहता है एंड सिचुएटेड एट द ग्रूव इन वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो इसमें या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड, यूजुअली एक छोटे से पार्ट में ही एम्ब्रियो सिचुएटेड देखने को मिलता है। उसमें क्या था, डाइकोट में वो बीच में एम्ब्रियो पूरा एक एक्सिस पूरा बना के बीच में ही वो सिचुएटेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑन वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटाइलिडन नोन एज द स्कूटेलम एंड शॉर्ट एक्सिस विद अ प्यूम्यूल एंड रेडिकल। तो इसमें एक शील्ड शेप का कोटाइलिडन भी रहता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ये मक्के का वही आप देख लीजिए, इसका क्रॉस सेक्शन ही है, तो और यहाँ पे एंडोस्पर्म है तो नीचे एक शील्ड के शेप का जो कि एम्ब्रियो को कवर करेगा एक पार्ट रहता है जिसको कहते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम के साथ उसमें क्या क्या रहेगा, अंदर की साइड में एक प्यूम्यूल रहेगा और एक रेडिकल रहेगा, ठीक है। अब जो प्यूम्यूल को कवर करेगा उसको क्या कहेंगे, सिलोप्टाइल, मतलब सिलोप्टाइल नाम का एक जो ये पार्ट है इसको, ये किसको कवर करेगा, प्यूम्यूल को। और जो रेडिकल को कवर करेगा उसको क्या कहेंगे, सिलोरिजा, ठीक है। तो ये वर्ड दो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो प्यूम्यूल के ऊपर रहता है, प्यूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड एज सिलोप्टा एंड कोलराइजर, ठीक है। तो कोलराइजर और सिलोप्टाइल, कोलियोराइजर और सिलोप्टाइल, ये दोनों किस किस को कवर करता है, कोलियोराइजर है वो रेडिकल को और सिलोप्टाइल है वो प्यूम्यूल को कवर करता है। एक शीथ, एक मेम्ब्रेन जैसा देखने को मिलता है। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देखने, मतलब इन लोगों ने बताया है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सिलेबस में कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर किसी प्लांट को आपको बुक में दिखाना है, ठीक है, जैसे फोटो दिखा के तो हम बता ही देंगे ये प्लांट ऐसा है, इसके ऐसे पत्ते हैं वैसे, मगर अगर आपको रिकॉर्ड में रखना है, कुछ फॉर्मूला बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से इसके रूल्स होते हैं, ये सब हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ, सिंपल एंड साइंटिफिक, इन साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड एट अ प्रॉपर सिक्वेंस। तो अब हमें अगर सबको एक जगह पर इकट्ठा करना है, कोई रिकॉर्ड बनाना है कि जिसमें सारे के सारे जितने भी हमें पता है सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हम इकट्ठे करेंगे, उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम वो इजीली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सबको पहले ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफ हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर प्लांट के बारे में पूरी पूरी डिटेल लिखते जाएंगे तो बहुत बड़ा थीसिस हो जाएगा, बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, मगर उसको शॉर्ट में आपको बनाना होगा, तब जाके हम सारा को एक साथ क्लासीफाई कर पाएंगे। दूसरा होना चाहिए सिंपल, सिंपल मतलब किसी को भी समझ में आ जाएगी, एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, सिंपल होना चाहिए मगर साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए। तो अब ये सोच लो कि साइंटिफिक लैंग्वेज सिंपल कैसे होगी, तो आगे जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि साइंटिफिक लैंग्वेज तो है मगर बहुत सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। द प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, कितने पेटल्स है, कितने सेपल्स है, वो मोनोकार्पल है कि नहीं है। ऐसे अगर अलग अलग चीज़ें बार बार अलग अलग जगह पर लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर इससे पहले वो बाइसेक्सुअल है कि नहीं, उसका स्थान एक ही होना चाहिए। अगर वो इसमें कितने पेटल्स है वो एक स्थान ही होना चाहिए। तो सबके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पक्का करके रखा हुआ है कि उसी प्लेस पे उसको रखना है, ठीक है। जब इसका कोड बनाते हैं हम, जब सीक्वेंस बनाते हैं, तब जब फॉर्मूला बनाते हैं, तब द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद द हैबिट। तो सबसे पहले किसी भी प्लांट के डिस्क्रिप्शन में कैसे होगा, पहले उसकी हैबिट बताओ, वो किस तरह, किस एरिया से, कहाँ से, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या होगा, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, एंड देन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हैबिट, वो कौन से मार्शी एरिया में होता है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, क्या है उसके हिसाब से, फिर उसका रूट कैसा है, उसके रूट का टाइप क्या है, उसका मॉडिफिकेशन है कि नहीं, फिर आता स्टेम, उसका स्टेम कैसा है, फिर आता है लीव्स, उसके लीव्स क्या है, कैसे है, कंपाउंड है, सिंपल है वगैरह, फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे है, उसका फ्लोरल क्या है, इन्फ्लोरेंसेस कैसा है, ठीक है। और फ्लावर है, फ्लावर के लास्ट में जो पार्ट बताएंगे वो फ्लावर के पार्ट्स है। तो हम नीचे से ऊपर तक सारा कुछ देखना है, ठीक है। सबसे पहले रूट, फिर आता है स्टेम, फिर आता है लीव्स, फिर आता है उसका फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, और लास्ट में आता है फ्लावर्स, ठीक है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड।
तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने अभी कैरेक्टर्स तो सारे दे दिए कि भाई क्या क्या है इस प्लांट में, कहाँ मिलता है और वो कैसा दिखता है, ये सब हमने देख लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसका फ्लावर का एक डायग्राम बनाना है और फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है। फ्लोरल डायग्राम मतलब उस फ्लावर का ऊपर से अगर सुपीरियर से आप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, वो उसको फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। और जो फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि उस डायग्राम को अच्छे तरह से नंबर्स में कैसे लिखेंगे, उसको हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, तो नंबर मतलब सिंबल्स में ही रिप्रेजेंट होता है। तो हर एक डायग्राम के लिए, हर एक फॉर्मूला के एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक एक नाम दिया है। जैसे बी आर मतलब बड़ा बी और स्मॉल छोटा आर, तो बी आर है वो क्या है, ब्रैकेट को शो करता है। के है वो कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सी है वो कोरोला को रिप्रेजेंट करता है। पी वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है। ए है वो एंड्रोसियम को। जी है वो गाइनोसियम को। जी के ऊपर अगर लाइन है फॉर सुपीरियर ओवरी, मतलब ओवरी ऊपर की साइड है बाकी सब नीचे है, तो जी के ऊपर लाइन आएगी, और जी के नीचे लाइन है तो इनफीरियर ओवरी। ठीक है, ये जो मेल का सिंबल है वो फॉर मेल, फीमेल का सिंबल है फॉर फीमेल, और मेल और फीमेल का दोनों की या कि जिसको बाइसेक्सुअल कहते हैं ये वाला सिंबल, तो ये है बाइसेक्सुअल प्लांट है। ये वाला प्लस एक राउंड के अंदर प्लस वाला सिंबल है फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, एंड ये जो सिंबल है वो फॉर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में इसके साथ एक क्रॉस भी है, ऐसे ये वाला सिंबल भी जाइगोमॉर्फिक में जो क्रिस क्रॉस होता है उस टाइप का सिंबल भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे, तभी एक फ्लावर हम लेंगे तो उसको में से पर्टिकुलर उसके ब्रैकेट्स है, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कितने हैं, पेरियंथ कैसा है, एंड्रोसियम कितने हैं, गाइनोसियम कितने हैं, गाइनोसियम है वो इंफीरियर है कि सुपोरियर है, मेल है फीमेल है या फिर बाइसेक्सुअल है, उसका एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तब उसमें ये नहीं लिखेंगे कि ये जाइगोमॉर्फिक है प्लस ये बाइसेक्सुअल है प्लस ये गाइनोसियम इसके सुपीरियर है, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से वो उसको फ्लावर को हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसी के हिसाब से उसको पूरा कवर करते जाना है। ठीक है, उसको राइट डाउन करते जाना है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर्स विद इन द ब्रैकेट एंड एडहेशन बाय द लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। तो जैसे फ्यूजन मतलब जैसे यहाँ पे एंड्रोसियम है वो पेटल के साथ फ्यूज हुआ है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देना है, ब्रैकेट के बीच में एंड्रोसियम और पेटल्स मतलब कैलिक्स ये दोनों का ही एक ही कोरोला वो एक साथ ही लिखना है। मगर जब एडहेशन है मतलब एंड्रोसियम और कोरोला दोनों का एडहेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे दो के बीच में ऐसे लाइन करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे हम कि फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशंस दे हैव विद द वन अनदर। तो ये इसमें आप देख लीजिए, ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये वाला जो चारों तरफ है वो एंड्रोसियम हो गया, ये वाला हो गया गाइनोसियम, तो इसी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया हुआ। ठीक है, अब ये इसमें देख लीजिए आप, पहले ये तो एक्टिनोमॉर्फिक है, मॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये के 2+2 मतलब चार कैलिक्स चार है, कोरोला चार है, एंड्रोसियम 2+4। ठीक है, ये 2 और ये 4, तो ये 6 हो गया, और इन्फीरियर ओवरी है वो 2 है। ठीक है, 2 ओवरी है और वो भी इन्फीरियर है, तो इस तरह से पूरा फ्लोरल डायग्राम होता है। अभी हमें क्या करना है, एक घर पे काम करना है कि हम छोटे छोटे जितने भी आसपास फ्लावर्स है वो फ्लावर्स को लेके उसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाना सीखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक और आपको टेबल दिया है जिसके अंदर कुछ पार्ट्स नहीं थे उसमें, और ये कुछ एक्स्ट्रा थे वो सारे मैंने इसमें दे रखे हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जाइगोमॉर्फिक को हम क्रिस क्रॉस से भी कह सकते हैं, और ये परसेंटेज वाला सिंबल भी उसमें डाल सकते हैं। ये परसेंटेज वाला ज़रूरी नहीं, एक सीधी लाइन करके दोनों तरफ अब डॉट्स डाल दोगे तो वो भी जाइगोमॉर्फिक ही कहा जाएगा। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो जो पोजीशन है मदर एक्सिस की वो फ्लोरल डायग्राम में, ये जो डॉट है ना वो मदर ऑर्गन जो कि मदर एक्सिस है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो अबोव है या तो फिर बिलो है। कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वॉल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग द सेंटर। तो ये जो हमने पार्ट देखा है वही सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कि क्या ये कैलिक्स है सबसे बाहर, फिर आता है कोरोला,
फिर आता है एंड्रोसियम और फिर आता है गाइनोसियम। तो इसी तरह से इसके पोजीशन पर्टिकुलरली होनी चाहिए। अब गैलेक्सीज में चार है तो चार ही बनाना है, 2 + 2। एंड्रोसियम है 2 + 4, तो इसी तरह से इसको लिखना होगा, जितना भी फ्लोरल डायग्राम में भी उसी तरह से बनाना है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज द कोहेजन एंड एडहेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ वॉल्स एंड इन बिटवीन द वॉल्स। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर ही जब हम एडहेशन ही मतलब जुड़ा हुआ एक दूसरे से, तो वो किस में हमें फ्लोरल फॉर्मूला में ही दिखाना होगा। तो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.20 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट। तो यहाँ पे हमने जो देखा ना वो मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल डायग्राम है। अगर ये एंड्रोसियम इस कोरोला से जुड़ा हुआ है तो वो कोरोला और एंड्रोसियम को यहाँ पे ही हम जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एडहेशन, अगर नीचे आप लाइन लगा देते हो ऐसे राउंड, तो एडहेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से एडहेशन को दिखाते हैं। इसमें और दो एग्जाम्पल्स है, आप थोड़ा आराम से देख लीजिए। हाइबिस्कस का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब फैमिलीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि कौन सी प्लांट्स में फैमिलीज। आगे वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें बारे में हम पढ़ेंगे फैमिलीज के बारे में, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे हमने जो NCERT में तीन फैमिलीज पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है। फैमिलीज एक है फैबेसी, दूसरी है सोरेनेसी और तीसरी है लिलिएसी। अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमें एक सब्जी बनानी है आलू की, मटर की और प्याज की, ठीक है। क्योंकि आलू है वो सोरेनेसी में आता है, मटर है वो फैबेसी में आता है और प्याज है वो लिलिएसी में आता है, ठीक है। तो आलू, मटर और प्याज की सब्जी बना लेंगे तो तीनों फैमिली हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ दे रखी है खाली, क्यों फैमिली को हम कब कहाँ, फैमिली का पोजिशन कहाँ है, फैमिली के ऊपर क्या आता है, फैमिली के नीचे क्या आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी किंगडम होता है, इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स दैट, ये तो अपने खाली नॉलेज के लिए मैंने दे रखा है कि इट कैन इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है वो बहुत ही रेयर कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे, मतलब बहुत ही ऊपर छपरा जिसको हम कहते हैं ना, उसी में एक तरह से पूरी किंगडम, जैसे प्लांट एक सारे जैसे दिखते हैं सारी प्लांट किंगडम में डाल दी। फिर आता है फाइलम, इट इंक्लूड्स द ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। तो एक ही क्लास में रहने वाले जो होंगे ना उसमें भी कुछ अलग अलग दो क्लास के जो प्लांट्स है मगर उसमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, तो फाइलम में आएगा। क्लास से भी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्डर में आएंगे, उससे भी ज़्यादा वाले फैमिली में आएंगे, उससे भी ज़्यादा वाले जीनस में आएंगे, और जिसके पास सिंगल कैरेक्टर रहेगा वो आएगा स्पीसीज में। तो इसी तरह से पूरा एनिमल या तो हो या तो फिर प्लांट किंगडम हो, पूरा डिवीजन।